फ्रेंड्स बहुत देर के बाद हम लोग पहुंच गए, अभी बस से उतरे हैं रास्ते में। अभी गाइस यहां पे औरतें आ रही है और यहां पे चप्पल पहन कर आना मना है। ये मस्जिद है फ्रेंड्स, बहुत खूब। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी जल्दी हम लोग निकले हैं सामान वामान लेकर और हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, जाकर चाची के पास जाकर बताते ही कहां सारे फैमिली लोग जा रहे हैं। मिनाइल हाय करो। गाइज हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि चाचू और चाची लोग सब लोग रोड पे खड़े होकर हमारा वेट कर रहे हैं। तो चाचू चाची सब खड़े हैं, बस हम लोग पहुंच गए। गाइज हम लोग घर से बस डिपो तक ऑटो में आए और अभी बस में जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं ऑटो में नहीं हो पाएंगे, फिर दो तीन ऑटो करना पड़ेगा और मेरा स्टॉल अभी से ही खराब हो गया। बस में बैठकर मैं अपना स्टॉल ठीक करूंगी। फ्रेंड्स मिनाइल अपने दादा के पास है और हम लोग यहाँ पे बस डिपो में बस का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत देर से बस का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है। बहुत गर्मी भी है, बहुत धूप भी है। फ्रेंड्स बहुत देर वेट करने के बाद बस आ गई है और हम लोग बस में बैठ गए। हम नाइल अपनी दादी के पास पीछे बैठी है। अभी देखती हूँ जू जाने में कितना टाइम लगेगा और स्कार्फ भी मैंने खोल लिया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। अभी हम लोग मालोनी में ही है, यहाँ से बाहर नहीं निकले। ये एक नंबर है और अभी हम लोग जुहू जा रहे हैं। ये बस सीधे जुहू जाती है तो ऑटो नहीं जाती है उधर, इसलिए हम लोग बस में जा रहे हैं। और ये एसी बस है तो गर्मी भी नहीं लगेगी, आराम से जा रहे हैं और सीट भी मिल गई हमें। देर के बाद हम लोग पहुंच गए, अभी बस से उतरे हैं रास्ते में। अभी यहाँ से शायद फिर गाड़ी लेना पड़ेगा कि क्या मालूम नहीं, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि बस में एसी भी था, आराम से ठंडे ठंडे में आए। और जुहू तो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हम लोग जुहू पहुंच गए हैं। तो मैं पहली बार बस से आई हूँ जुहू, हमेशा ऑटो से या ओला से आती हूँ मिनाइल के पापा के साथ। तो अभी जाते हैं, देखिए बच्चे लोग कितना मस्ती करेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा धूप भी है तो सब लोग आ गए हैं मिनाइल की दादा के पास से। मिनाहिल तब से दादी के पास बैठी हुई थी, अपने दादी के पास रोड खुला है देखो, और अभी भी दादू के पास ही है। गुड्डू इन लोग दोनों का एक वीडियो बना दीजिएगा। मिनाहिल पहली बार आई है जुहू, रुको। गाइज मैं रेहान को बोल रही हूँ कि पक्का कोई ना कोई टिकटॉकर हमें मिलेगा जरूर। और चलो चलो बदमाशी नहीं, सीधा जाना है ना, तो पक्का कोई टिकटॉकर मिलेगा। ये लोग को मैं बता रही थी, बच्चे लोग को, ये लोग सब खुश हो गए। गाड़ी देख के चलो पार करो, रोड क्रॉस करो। और इतना अच्छा लग रहा है ना, बीच में जान से पहले ही खुला खुला लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी बच्चे लोग क्या करेंगे, मिनाहिल को तो मैं नहीं भिगाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और बस हम लोग पहुँचने ही वाले, अभी धूप है बहुत। संडे को आते तो संडे को ज़्यादा रश रहता, ज़्यादा भीड़ रहता, पर आज कोई भीड़ भीड़ नहीं है। और ये देखिए होटल है, होटल के अंदर जाने का तो मन करता है पर हम लोग इतने बड़े लोग नहीं है कि होटल में भी जा पाए, ज़्यादा पैसे वाले लोग जाते हैं। पानी में मत जाना। गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए, ब्रश बहुत कम है, आगे उस तरफ ज़्यादा भीड़ रहती है। ये हम लोग कोने के साइड आ गए, आगे चाची आगे की साइड रहता है ज़्यादा भीड़। तो मिनाहिल शूज़ क्यों उतारी, अभी इसको लात खाना है, रुक जाओ। पानी में भीगने की जरूरत नहीं है मिनाहिल, नहीं पानी में जाओ। चलो चलो चलते चलते ऐसे ही चलो, चलो पानी में नहीं जाना लेकिन चलो। तुम्हारी मिनाहिल लाओ तरमान बहा लो, पूरा गंदा पानी नाले का पानी इधर। चलो चलो पीछे आ, पीछे आ मिनाहिल। गाइस यहाँ पे पानी गंदा रहता है पता है, उस तरफ साफ होगा। छी मिनाहिल पूरा पैर गंदा कर ली, अब ऐसे ही चलना। मैं तो नहीं भीगूंगी, ना ही मिनाहिल फातिमा को भीगने दूंगी। गाइज वहाँ पे सब फोटो क्लिक करवा रहे हैं और देखिए मिनाहिल फातिमा को और अफनान को। मिनाहिल को मैंने पानी में जाने नहीं दिया, धूप बहुत, अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मिनाहिल यहाँ पे पूरा बालू बालू कर रही है। बालू इधर देखो सोनू, गुड बालू बालू खेलो, नहीं मुझे नहीं करना है। बहुत धूप है और मेरे ना गले में दर्द हो रहा है क्योंकि कुछ भी ठंडा खा लेती हूँ ना तो गले में दर्द चालू हो जाता है। वैसे मैंने ठंडा तो खाया नहीं है लेकिन रात में शायद ये थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया था फ्रिज का, नहीं वैसे ही, तो इसकी वजह से गले में दर्द हो रहा है।
और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, धूप की वजह से भी सिर में दर्द होता है, बहुत कड़ी धूप है। और शाम हो जाएगा ना, जब यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा शाम में लगता है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, मेरे स्कार्फ भी ख़राब हो गया है, खोल लूँगी अभी, ऐसे ही बांध लूँगी क्योंकि अंडर कैप है, इसको ऐसे ही लपेट लूँगी। अभी मैंने पिन लगाया है तो सब वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। मेरा फ़ोन थोड़ा सा ये हो गया, ख़राब हो गया, फ़ोटो अच्छा नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो में नहीं निकलवा रही हूँ। तो पिन खोल कर रख ली हूँ, इसको ऐसे ही लपेट लूँगी अपने। अभी देखती हूँ, यहाँ से शायद हाजी अली जाना है, तो यहाँ से हाजी अली के लिए फिर निकल जाऊंगी। चलो बेटा चलो, दादू का हाथ पकड़ लो, जाओ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइस, दूसरी जगह जाएंगे। बहुत बच्चे लोग ने बहुत मस्ती किया, उफ़ इतनी बड़ी होटल है ये, नो होटल है नाम है, नो होटल। मिनाइल इधर आओ, खट्टा मीठा सब है यहाँ पर, ऐसे ही मत छुओ। तुम्हारा क्यों मुंह फूला हुआ है? कहाँ जाओगी? वहाँ जाओगी, वहाँ तो धूप है। अभी हम लोग दूसरी जगह चलेंगे ना हाजी अली, मेरी जान है ना तुम। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे कुछ खाने आए हैं, बैठ जा मिनाइल। अभी हम लोगों ने वड़ा पाव मंगाया है क्योंकि ये छोटा सा होटल है यहाँ पे, और होटल नहीं है। चाची लेकर आई थी ये छोले और पूरी है, तो ये सब निकल रहा है। ए तुम क्या खाओगी? फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना खा लिया है, चाची लेकर आई थी छोले और पूरी वो, और उसके बाद फिर वड़ा पाव मंगाया, समोसा पाव, और उसके बाद फ्राइड राइस, तो वो सब खा ली हूँ और पेट भर गया अब। और माशाल्लाह मिनाहिल ने भी एक पूरी खाया, वरना वो तो खाती नहीं है, भूखे भूखे रहती है खाली पेट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी हम लोग खा पी कर फ्रेश होकर, मैंने फेस पानी से धो लिया है क्योंकि मैं ना घर से आई थी तो सनस्क्रीन लगा कर आई थी और कुछ भी नहीं लगाई थी। बाहर निकलती हूँ धूप में तो मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मेकअप मेरा ख़राब हो जाता, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाया था, फेस पूरा ऑयल ऑयल हो गया। उसके बाद फिर मैंने फेस धो लिया है और अब जा रही हूँ, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। बस गले में थोड़ा थोड़ा दर्द है, गले का दर्द अच्छा नहीं लगता है। तो मिनाहिल अपने दादू के साथ है और अभी हम लोग जा रहे हैं हाजी अली के लिए। गाइस बहुत देर वेट करने के बाद बस मिला है, बहुत देर वेट किया हम लोगों ने और अब जा रहे हैं हम लोग हाजी अली के लिए। यहाँ पे जितनी भी कार है, खाली मर्सिडीज और ऑडी चल रही है, मस्त मस्त कार देखा मैंने अभी। गाइस काफ़ी देर से हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं हाजी अली में, और बस रुक रुक के चल रही है क्योंकि ट्रैफिक भी है। और मिनाइल अब मेरे पास आ गई है। गाइस हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, अब बस स्टैंड में उतर गया है लास्ट स्टॉपेज पे, और 6:40 हो गए हैं। अभी हम लोग उस पार होंगे, चाचू आ रहे हैं, वो वहाँ किसी काम से रुक गए थे। और देखिए ये अभी फ्लाईओवर का काम हो रहा है यहाँ पर मुंबई में। मिनाइल थक गई हो? हम लोग यहाँ से होके जा रहे हैं, नीचे से होकर जाने का है। बाहर तो गाड़ी चल रही है और हाईवे है, बहुत तेज तेज गाड़ी चल रही है, इसलिए यहाँ से होकर जा रहे हैं हम लोग। हम लोग अंदर से होकर जा रहे हैं, देखिए। और ये समोसा है छोटा छोटा सा, बस यहाँ से ऊपर पार नहीं हो पाते, बहुत तेज तेज गाड़ी चलती है इसलिए। चलो चलो हम लोग आ गए हैं गाइज यहाँ से गली से होकर जाने का, और यहाँ पे हाजी अली ये रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीजें और जो चादर चढ़ाते हैं, फूल वगैरह है, वो सब है यहाँ पे। और भीड़ काफी है, संडे को तो बहुत ज्यादा ही भीड़ रहती है। अब यहाँ से हम लोग को अंदर होकर जाना पड़ेगा, और ये मस्जिद है यहाँ की। अभी हमें काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। यहाँ पे सारे मीठे की दुकान है, शिरनी वगैरह की देखिए, और यहाँ पे हलवा पूरी है जो यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी वगैरह, ये सब टोपी वगैरह सब मिलता है। बस मिनाहिल अगर देख लेगी तो रोना चालू कर देगी। ऐसे मैं आगे आगे जा रही हूँ, चाचे लोग पीछे पीछे है, सब एक ही साथ चलेंगे तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा ना। ले दूंगी आगे, चलो ना, ले दूंगी ले दूंगी, लेना है ये, ठीक है ले दूंगी, चलो।
अभी अंधेरा नहीं हुआ गाइस, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे दिन में आने का, इतना शाम में नहीं आने का, हमें आने में लेट हो गया। ले दूंगी मीना, यहाँ पे टॉयज है, पर्स है, चलो ले दूंगी। देखो आगे और भी है। मीनाइल को यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, एलिफेंट वाला ले दूंगी। चलो चाची लोग सब पीछे, सबसे आगे मैं हूँ। देखिए यहाँ से बोला मैंने कि बहुत थोड़ा दूर तक चलना पड़ता है, ले दूंगी रुको। आज भीड़ नहीं है, वरना बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। पर अभी शाम भी हो गया है, यहाँ पे दोपहर के वक्त ज्यादा भीड़ होती है। ये सब चादरें हैं, फ्लावर शॉप नंबर 10। यहाँ पे हाँ वहाँ पे भी मिलता है, चलो ना। देखिए हम लोग आ गए, और यहाँ पे ये जो बना है ना, वेलकम टू द हाजी अली दरगाह, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है। और ये एरिया पूरा खुला हुआ था, लेकिन ये अभी धीरे धीरे बन रहा है सब कुछ। तो हाँ बना है, पिछले बार हम लोग आए थे ना, शायद 7-8 मंथ्स पहले आए थे, तो ये सब कुछ बना हुआ नहीं था। और अभी तो मैंने भी देखा है न्यू ऐसा बना हुआ। अब देखती हूँ अंदर कैसा है। मैंने सुना था कि पूरा इन लोगों ने पैक कर दिया, पहले ये पूरा खुला हुआ था। ये जो दीवार है ना, ये दीवार नहीं थी। देखिए कितना अंदर तक अभी चल के जाना है, चलो। हाँ देखिए हम अभी यहाँ से बाहर निकले, देखिए हाजी अली वहां दिख रही है दूर में। अभी भी चलकर जाना पड़ेगा, ये सब भी प्रोसेसिंग में है, शायद ये भी बन रहा है। और ये जो पूरा इन लोगों ने बना दिया है, ये पहले ऐसे खुला हुआ था, देखिए इस तरह से। और रात में कहते हैं कि ये रोड पूरा, मतलब ये जो रोड है ना, ये पानी से पूरा भर जाता है, बस वो जो हाजी अली समुंदर के बीच में वो नहीं डूबता है। अजान हो रही है, सब लोग वहां तक है, समुंदर तक। अभी चल के आगे और जाना है, और आगे जाना है। हाँ हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, और पानी बहुत ज्यादा यहाँ तक रहती है, लेकिन शायद अभी गर्मी का टाइम है इसलिए पानी चला गया है दूर। तो ये है हाजी अली, और समंदर की तरफ भी लोग हैं बहुत सारे, और यहाँ पे भी लोग हैं सब। अभी चाची लोग अंदर गई है, और मीनाहिल चाचू के साथ है, मैं भी जा रही हूँ ऊपर। और यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं, देखिए हाजी अली के गेट पे सब फोटो क्लिक करवाते हैं। और ये हम आ गए हैं अंदर, अंदर मस्जिद भी है और उधर मजार भी है। मीनाहिल अपने दादू के साथ है, ये फाउंटेन देख रही है, और ये है चाची की बहन नसरीन आंटी। मजार उधर है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर लोग भी आते हैं। देखिए ये लोग भी फॉरेनर ही है। वहां पे बैठकर आराम गए, आराम करने का। हम लोग मजार के अंदर नहीं जाते हैं। इसके पीछे भी समंदर है उधर, वहां पे भी लोग जाते हैं, और ये मजार है। वहां पे भी बैठने का, आराम करने का, और यहाँ पे भी सब बच्चे को लेकर बैठकर। ये समुंदर, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा नॉन मुस्लिम्स। वो है मजार,
और ये मस्जिद। मिनाइल को चाचू ने गोदी लिया क्योंकि मिनाइल थक गई है। मिनाइल गोदी से उतर जाओ, मिनाइल गोदी से उतर जाओ, पैदल पैदल चलो। और ये इसका बैक साइड है। इधर भी सब लोग फोटो क्लिक करवाते हैं, इधर वजू बनाने के लिए है। और ये बहुत अच्छा व्यू है, देखिए यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बैठकर खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ, देखिए अंदर भी आ गई हूँ। और बहुत ठंडी हवा चल रही इधर। चाची लोग पीछे है, वो लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और नीचे नहीं जा रहे, और मिनाही नीचे जाने के लिए रो रही है। मिनाइल नीचे जाने के लिए रो रही है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। देखती हूँ उसे ले जा रही हूँ, रो रही है, जाने के लिए तंग कर रही है। इतनी दूर आई है तो एंजॉय भी कर लेगी। पहले बोलो मम्मा, मम्मा से प्यार करती हो? चलो ध्यान से चलो, ऐसे सीढ़ी से उतर उतर के जाना पड़ता है। चलो सुभान अल्लाह, ध्यान से बाबा कहीं गिर। देखिए फिसली ना, अभी फिसला ना यहाँ पे, और इसको जाने के लिए फिर भी पड़ी है। अब यहीं पे रहो, जाओगी गिर जाओगी तो फिर मुझे मत बोलना। रुको रुको, लेके चल रही हूँ, रुको। अब यहाँ पे कैसे लेके जाऊं? देखिए यहाँ पे पहाड़ी सब है, यहाँ पे सब बैठे रहते हैं। रुको रुको, अभी यहाँ से उतरती हूँ। मिनाहिल अब तुम्हें लेके नहीं आऊंगी कभी, ठीक है? ठीक है, लेकर आऊंगी, ठीक है, लेकर आऊंगी। चलो ध्यान से चलो, चलो। इधर भी पानी में सब नहाते हैं, लेकिन मिनाहिल को भीगने नहीं दूंगी। चलो ध्यान से चलो, मिनाहिल ध्यान से गिर जाओगी। लाओ चलो, मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, लेकिन मिनाहिल को फिर भी जाना है। नहीं वहाँ नहीं जाओगी, गिर जाओगी, इधर पानी है, वो लोग सब वहाँ बैठे, तो मिनाहिल को भी वहाँ पे जाना है। रोती रहो रोती रहो। ऊपर आ गई हूँ और चाय पी रही हूँ, गले में दर्द इसलिए चाय पी रही हूँ, वरना चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अभी मिनाइल को कुछ खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। ये रो रही थी, इसे भूख भी लगी है, बहुत देर से बोल रही है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। ले दूंगी चलो। ये भीड़ बहुत कम है, वरना बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़। ये शाम का वक्त है, इसलिए संडे है, कल तो बहुत ज्यादा ही रहेगी। यहाँ पर सब लोग बैठकर खाते हैं। चलो ऐसे वड़ा पाव ले लेती हूँ। मिनाइल को भूख लगी थी तो मैंने कबाब पाव लेके दिया है। और यहाँ पे ये रो रही थी बहुत, तो यहाँ पे खड़ा कर दिया कि देखो थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो मिनाइल अभी चुप है और यहाँ पर पानी के को देख देख कर खुश हो रही है। मिनाइल नहीं छुओ नहीं वो सब, अभी मैं इसे पूरा खिला देती हूँ, इसका पेट भर जाएगा। मिनाइल गाइज, यहाँ पे औरतें आ रही है और यहाँ पे चप्पल पहन कर आना मना है, लेकिन अंदर मैं नहीं जा रही हूँ। ये है मज़ार यहाँ, ये भी मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन ये यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो देखिए सारे औरतें चप्पल उतार उतार कर जा रहे हैं, लेकिन अंदर मैं नहीं जा रही हूँ, बाहर ही हूँ अभी। चलो अभी इधर भी है, इसके पीछे भी उधर समंदर है। सारे लोग यहाँ पर बैठ के वेट करते हैं, खाना खाते हैं। पियो ना, तो खत्म हो गया, अब क्या पियोगी?
ये मस्जिद है फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत मस्जिद है वाइट कलर की। और यहाँ पे अरमान है, यहाँ पे चाचू लोग बैठ कर वेट कर रहे हैं, चाची लोग आ रही हैं फ्रेश होने गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये कितना सुकून लगता है, कितना अच्छा लगता है, इधर से पूरी मुंबई दिख रही है। ये समंदर है और ये मैं इधर चढ़ जाती हूँ, देखिए ये बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है इधर समंदर के पास। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, गर्मी से पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और यहाँ पे सबको भूख लगी है तो कुछ लोग जूस ले रहे हैं और कुछ चिप्स और कुछ वड़ा पाव वगैरह सब खा रहे हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, अच्छा हो कि हम लोग दोपहर में नहीं आए, नहीं तो दोपहर में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती हमारी। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये ना ठंडी के वक्त बंद हो जाता है, ये है कि पूरा पानी जो है ना रास्ते को बंद कर देता है। लेकिन अभी गर्मी का वक्त है और पानी थोड़ा कम हो गया, इसके वजह से अभी देखते हैं हम लोग क्या चीज़ से जाते हैं, ट्रेन से या बस से। वैसे तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। निकल गए हम लोग यहाँ से, अभी चल कर जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सुकून लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है समंदर के किनारे में। चाची मिनल को पकड़ देगा और एक मिनट में। देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अभी मिनाइल के पापा होते तो और अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये सब यहाँ पे आने में या कहीं पे भी घूमने जाने मिनाइल के पापा के साथ ही जाने का दिल करता है। ये तो पूरा अंधेरा हो गया इधर, ये पानी है पूरा, उधर पूरा समंदर है। फ्रेंड्स बाहर निकलते निकलते यहाँ पर चाची और उनकी बहन खिलौना देख रही है उनकी बेटी के लिए। तो यहाँ पे स्टील का खिलौना है, एल्युमिनियम का खिलौना है, जर्मन का सेट सब है। ये तुरंत चपटा हो जाता, अच्छे से उससे अच्छा स्टील वाला ले दीजिए। मिनाहिल टॉयज लेने के लिए रो रही है, लेकिन मैं नहीं दिला रही हूँ क्योंकि इसके पापा आएंगे तो वो बोले बहुत सारी टॉयज लेकर आएंगे और मिनाहिल फिर बर्बाद कर देती है, इसलिए मैं नहीं लेके दे रही हूँ उसे। बहुत सारे खिलौने बच्चों के अच्छे अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाची पान लेकर आई है, मीठा पान, तो ये खाने जा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे मीठा पान बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बाहर निकल कर खड़े हैं अब रोड पर, अब देखते हैं कि अब कहाँ जाना है हमें। अभी हम लोग यहाँ से मरीन लाइन जा रहे हैं तो टैक्सी मिली है, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा या बस नहीं चलता मरीन लाइन में, तो इसलिए अभी हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं। अभी हम लोग टैक्सी से मरीन लाइन जा रहे हैं और मिनाहिल को मैंने जूस दिया, अरमान ने इसे माजा, तो बॉटल में नहीं दिया दी हूँ क्योंकि ये गिरा देगी, इसलिए ग्लास लेकर आई हूँ। क्या गिरा, यहीं पे रहो। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए गाइस, ध्यान से आइएगा, बहुत गाड़ी है और यहाँ पे बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलती है, लेकिन रोड क्रॉस करें हम लोग अब। अभी रुको, गाड़ी आ रही, रुको, एक लाइन से गाड़ी खड़ी हुई है, चाची लोग उधर ही, अभी आइए ना। तो हम लोग आ गए मरीना में, नरीमन पॉइंट मरीन लाइन, नरीमन पॉइंट भी इसको बोलते हैं कि। चलो बेटू, नहीं ध्यान से मिनील, तो आगे पानी, इधर ही रहना। ओ माय गॉड, गाइज मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बस अकेली बैठी रहूँ। यहाँ
यहाँ पे अंधेरा है, लाइट नहीं है, इसलिए कुछ समझ नहीं। मिनाहिल पीछे रहो, यहाँ पे डर लगता है बहुत गहराई। और मिनाहिल दूसरी बच्ची का खिलौना लेकर, नायरा का खिलौना लेकर बदमाशी कर रही, और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई मोबाइल को अंदर रख के बहुत सुकून लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा सुकून। फ्रेंड्स ये सामने वांगड़े स्टेडियम है, यहाँ से आगे जाकर लेफ्ट लेंगे तो वांगड़े स्टेडियम आ जाता है, और उधर वो होटल्स है जहाँ पे प्लेयर्स लोग आते हैं तो उस होटल में रुकते हैं, वो होटल है, वो दोनों होटल है, और एयर इंडिया का ऑफिस भी वो है। यहाँ पे कुछ लड़के डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे बहुत अच्छी आवाज में, लेकिन मुझे ये कट करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं डाल सकती हूँ इसलिए। अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं गाइज, पैदल पैदल चलकर आगे तक, और यहाँ पर एक से एक लड़की देखने के लिए मिल रही है। फॉरेनर लोग इतनी अच्छी अच्छी है कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही है, और सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे फ़ोन में बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, शायद कब फ़ोन ऑफ हो जाए मालूम नहीं हमें। ये है होटल एम्बेसडर, द एम्बेसडर। वाओ कितना खूबसूरत है, इंशाल्लाह एक दिन यहाँ पे भी जाने मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो, द एम्बेसडर। हाँ चलो चलो, ये है शिव सागर रेस्टोरेंट एंड बार। हाँ चलो, हम लोग वहाँ से मरीन लाइन से चल चल कर आए हैं यहाँ पे चर्च गेट में। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ कर मलाड, फिर मलाड से घर, ये चर्च गेट। तो चलिए आपको घर दिखाते हैं। अरमान, क्या नाम है, अरमान शेख ना पूरा? हाँ दी अरमान शेख। मेरा फोन भी कभी भी ऑफ हो जाएगा। ये है चर्च गेट स्टेशन। चाचू ने टिकट निकाल लिया, अब हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बहुत थक गए, मेरी बच्ची भी बहुत थक गई है, इतना टी शर्ट वर्ट भी गंदा कर लिया इसने, जबकि मैं इसका कपड़ा लेकर आई लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसका कपड़ा चेंज करने का। इधर से होके चलो, इधर हो चलो। हम लोग ट्रेन से उतर गए फ्रेंड्स, और अब ऑटो में बैठ गए, रिक्शा में, और अब जा रहे घर पे। फ्रेंड्स फाइनली घर पे आ गई हूँ और बहुत ज्यादा थक गई हूँ, फोन में बैटरी भी नहीं है, तो जा रही हूँ फोन सबसे पहले चार्ज में लगाने के लिए, और कुछ बनाकर मिनाहिल को खिलाऊंगी। तो खाना बनाने के लिए अभी जा रही हूँ, पता नहीं इसके आगे भी मैं ब्लॉग बना पाऊँ या नहीं, देखती हूँ। फ्रेंड्स फोन मैंने चार्ज में लगा दिया था और उसके बाद अभी चार्ज से निकाल कर लाई हूँ, ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म किया और ये नमक पानी से गलाला कर रही हूँ क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था, मैं पूरे रास्ते बात भी नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस ये पानी पीने जा रही हूँ, और फ्राइड राइस मैंने ऑर्डर किया है तो अभी वो फ्राइड राइस आ जाएगा तो फिर खाऊंगी। मिनाहिल अभी खेल रही है। खाना मंगाया और बहुत देर से वेट कर रही थी और अभी खाना आया है। चाची लोग भी बिरयानी मंगवाई है, वो लोग सब अपने लिए मतलब बोल रही थी, मुझे भी बोले कि चलो साथ में खाना और वहाँ पे रुकना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं आ गई। और चाची बोल रही थी साथ में चलो सबके लिए आ रहे तुम भी खा लेना, लेकिन मैंने बोला नहीं मेरे गले में दर्द हो रहा है मैं नहीं खाऊंगी, और मिनाहिल भी नहीं, लेकिन गले में कभी भी दर्द हो रहा है। पर मिनाहिल के पापा गुस्सा हो रहे थे कि खाए क्यों नहीं, ऐसे ही नहीं सोना। तो मैंने चिकन फ्राइड राइस मंगा लिया, ये आ गया है और अब हम लोग खाने जा रहे हैं और खा के फिर सो जाएंगे। बहुत गले में दर्द हो रहा है और बहुत थक गई हूँ आज। तो अब मैं अपने स्पून कहाँ स्पून, तो अब मैं सोने जा रही हूँ, खा पी कर मिनाहिल को भी सिला दूंगी और अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा, आज जहाँ जहाँ मैं गई जितना जितना हो पाया उतना दिखा पाई, और अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेजवान चटनी, अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।